सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये। क्लास नाइन्थ से टॉपिक है वैसे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रीट और बैंक वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे आंसर्स लगे हुए पर हमको इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें आंसर्स नहीं बताऊंगे और हम लोग यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, मैनी इरेशनल नंबर्स, ओनली इरेशनल नंबर्स। अब किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं इसके बेसिस पे कि हम कहते हैं 1/2, 1/3 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम 5 क्या कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इस तरह के हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं। पहले मैं बता दूं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या हों, इंटीजर्स हों, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, पी बाई क्यू की फॉर्म हो और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा आंसर कौन सा वाला ऑप्शन जा रहा है इसके अंदर। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच हम कितने रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 के अंदर थर्ड क्वेश्चन था शायद, तो आप लोग देख सकते हो जाके। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर ले लो 2, इसका इरेशनल नंबर ले लेते हैं √5। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या आया, इरेशनल नंबर। ऐसे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, हमेशा रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इट इज़ ऑलवेज इरेशनल, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर मे बी टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब कोई भी इरेशनल नंबर होता है, ये जैसे मान लेते हैं ये कोई नंबर है 8 बार, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नो, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं चैप्टर के टाइम पे, अगर किसी को देखना हो जाके तो वो चैप्टर का वीडियो देख सकता है, यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो हो गया, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होगा, 0.01001001001001, ऐसे ये सारे क्या होंगे, नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो वो इरेशनल नंबर्स, देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन रिकरिंग होता है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है, इसकी डेफिनेशन में हम इसको यूज़ करते हैं कि द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर इरेशनल नंबर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 समथिंग। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 समथिंग। ये चलती जाती है, ये भी चलता जाता है कुछ। तो इनके बीच में रैशनल नंबर कौन सा है, तो ऑप्शंस में से देखो 1.8 तो बड़ा हो रहा है, 1.5 हो रहा है, तो अब ये दोनों तो, ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, बी तो ऑप्शन ही कट गया। 1.9 भी 1.7 से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा वाला आ रहा है, सी 1.5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा वाला इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर मतलब जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में ना आए, है ना, और क्यू पी और क्यू इंटीजर्स ना हो, इसको तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2/3। तो ये तो क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये √12/√3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √12/3। ये कितना हो गया, √4, तो वो कितना होता है, 2। ये भी रैशनल हो गया भाई, 2/1 क्या होता है, रैशनल होता है। √81 को देखते हैं, √81 क्या होता है, 9, तो ये भी रैशनल हो गया। तो बचा क्या, √5। √5 वाला ऑप्शन क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, √5 + √5 = 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसमें से √5 कॉमन आ रहा है, तो √5 को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 4 + 5, तो ये कितना हो गया, √5 (9), तो ये कितना हो गया, 9√5। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 pen + 5 pen कितने होंगे, टोटल 9 pens, तो 9√5 आंसर आना चाहिए, तो 9√5 मतलब ए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इरेशनल, इनमें से कौन सा वाला इरेशनल है? तो मैंने बताया इरेशनल की फॉर्म क्या होती है, ये कैटेगरी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो ये साफ साफ देखते ही पता लग गया इरेशनल है। ये भी हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी पी बाई क्यू में हो ही जाएगा 114/100, और ये भी क्या होगा पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी रैशनल है। तो बचा कौन सा, एक ही बचा है, तो इरेशनल। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, √12 × √15। अब √12 × √15 मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 × 15। अब √12 × 15 मतलब 2 × 2 × 3, तो 12 हो गया, 15 होता है 3 × 5। परफेक्ट पेयर्स को बाहर ले लेते हैं रूट से, बचा क्या √5, तो ये कितना हो गया 6√5। 6√5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लग रही है हर एक को। अब जब भी बेस सेम होता है, नंबर्स माइनस में होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो हट गया। नेक्स्ट है ये वाला, अब इसमें हमको दिया हुआ है एक्स रेज टू द पावर 4 × 1/2 power. अब मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि ये 1/12 पावर है इसकी, 4 × 1 × 4 = 4, 3 × 12, ये कितना हो गया एक्स रेज टू द पावर 1/6। और 1/6 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो एक्स स्क्वायर चाहिए। थर्ड वाले पे आते हैं, तो ये भी कट गया। थर्ड वाले पे आते हैं एक्स रेज टू द पावर 3 × 1/2 2/3, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये तो एक्स आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इस पे आते हैं, बेस जब भी सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2/4 + 6/4, तो ये कितना हो गया 6 × 2 = 8, एक्स रेज़ टू द पावर 8/4 विच इज़ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही है। जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, जब भी ऐसा होता है ना ए रेज़ टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू द पावर वाई, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो हो गया वो सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू बतानी है फटाफट, पॉज करो और सॉल्व करो, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अब देखो ये हमको दिया हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 16 दिया हुआ है, ये मतलब ये क्या दिया हुआ है, 4√16 − 2 / 1/4, ये ऐसे दिया हुआ है, फोर्थ रूट मतलब ऐसा, तो ये कितना हो गया 16√−2 × 1/4, तो ये कितना हो गया 16√−1/2। अब −1/2 को +1/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/16 कर देते हैं, रेज टू द पावर 1/2 मतलब कि √1/16 वो कितना होगा 1/4। 1/4 ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, इसमें आंसर में बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन तो नहीं आ रहा है हमारा, 1/2 तो नहीं आ रहा, एक बार वापस देख लेते हैं, 16 ये 2 हो गया, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, 1/16, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 1/4, यही सही है, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ए, ठीक है, एक बार वापस देखना इसको, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3² √, तो रूट मतलब क्या होता है, अच्छा क्यूब रूट है तो 1/3 हो गया, इसका भी 4√, तो 1/4 हो गया, 3 × 2 × 1/3 × 1/4, 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक सेकंड, ये कितना बचेगा हमारा, 3 raised to the power, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/3 × 2 = 6 हो गया, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन पे हमने एक वीडियो अपलोड करी हुई है, मैं आपके टॉप पे हाईलाइट हो रही होगी, तो रैशनलाइजेशन की वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको नहीं पता है, तो इसको रैशनलाइज करना है, तो 5√3 − 5√2, सबसे पहले तो क्या करो 5 को कॉमन ले लो, बचा क्या √3 − √2, अब कर दो रैशनलाइज, तो ऊपर भी √3, बीच वाले साइन को उल्टा करके मल्टीप्लाई, नीचे √3 + √2, तो ये कितना हो गया 7√3
प्लस रूट टू अपॉन फाइव ब्रैकेट थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू वन होता है, सेवन अपॉन फाइव रूट थ्री प्लस रूट टू। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब इसका प्रोडक्ट बताना है हमको, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस तो रूट क्यूब रूट ऑफ टू, टू की पावर कितना है वन बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय टू की पावर माइनस वन बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू को हम लिख सकते हैं टू की पावर फाइव, इसकी होल पावर है वन बाय ट्वेल्व, ये हमको दिया हुआ है। अब बेस जब भी सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो वन बाय थ्री प्लस वन प्लस माइनस का वन बाय थ्री प्लस फाइव अपॉन ट्वेल्व हो गया, वो वन बाय थ्री से वन बाय थ्री कैंसिल हो गया, टू रेस टू द पावर फाइव अपॉन ट्वेल्व, टू रेस टू द पावर फाइव अपॉन ट्वेल्व है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में है ही नहीं ये तो। तो जब ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन नहीं है इसमें कोई भी, डी इसका ये होता। अच्छा, टू रेस पावर फाइव रेस टू पावर वन बाय ट्वेल्व, तो इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू रेस पावर फाइव होल पावर वन बाय ट्वेल्व, टू रेस पावर फाइव कितना होता है थर्टी टू रेस टू द पावर वन बाय ट्वेल्व, वो क्या है ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमसे हमेशा क्या करो, सबसे पहले रैशनलाइज कर दो, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर, तो थ्री माइनस वन स्क्वायर, थ्री माइनस वन कितना हो गया टू, तो वन बाय रूट टू तो बाहर आ गया, और ये रूट से बाहर आ गया, कितना बना रूट थ्री माइनस वन। अब देखो वैल्यूज रख दो, रूट थ्री की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी 1.732, 1.732 ही तो दे रखी है, थ्री माइनस वन टू होता है, टू रूट से रूट को बाहर ले गए, तो इसमें रख देते हैं 1.732 माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट टू मतलब 1.41, तो ये कितना हो गया 0.732 डिवाइडेड बाय 1.41। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा डी, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो सी नहीं होगा इसका ऑप्शन, सी भी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा, और ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये वन से छोटी वैल्यू है, तो वन से छोटी है तो ए तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ए और सी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, 1.7 तो है ही नहीं है 732 तो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन हमको कह रहा है 256 रेस टू द पावर 0. अच्छा, जब भी बेस सेम होता है तो हमको क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 256 होल पावर कितना हो गया 0.16 प्लस 0.09, तो ये कितना हो गया 256 होल पावर 0.25, 256 होल पावर 25 को लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 मतलब 4 16 कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि 4 की 4 पावर करेंगे फोर्थ पावर करेंगे तो 256 आता है। तो ये हमारे वीडियोस में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस और लेके आएंगे इसी टॉपिक पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट और बैंक वगैरह के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।